मुसीबतों का पहाड़ गिर सकता है. The problems mountain can fall down. लेकिन अगर आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे But if you do a तो faith बड़े से बड़ा पहाड़ गिर जाएगा. Then the mountain will fall down. लेकिन आपको विश्वास करना है. But you need to have faith. अगर आज आप प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, if you are praying and reading Bible, और आपको लग रहा है कि मुसीबतों का पहाड़ और ज्यादा बढ़ रहा है, and you are thinking that problem mountain is increasing, आपको लग रहा है मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं, the problems is increasing, और पहाड़ खड़ा होता जा रहा है, and then mountain is standing, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, he wants to tell you, आपके मुंह खोलने पर ये पहाड़ गिरने वाला है, when you will open your mouth, then आपके the मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर, the Lord is waiting for you. आप इसी समय मुंह खोले you need to open your mouth और विश्वास की बातें बोले and speak out faithful मैं कह रहा हूँ पहाड़ गिरने वाला है. The mountain will fall down. संसार के लोग पहाड़ को कैसे गिराते हैं? How they all break down the mountain. वो लोग बुलडोजर को लेकर आएंगे they take a crane या वो कोई बम को लेकर आएंगे or they will take a bomb और उस पहाड़ को उड़ा देंगे and they will fall down that mountain. लेकिन बाइबल हमें बताती है But the Bible tells, मुसीबतों का पहाड़ ऐसे नहीं गिरने वाला. Problem mountain will not fall down. विश्वास से जब आप मुंह से बोलेंगे when you will say out of your mouth, विश्वास की प्रार्थना जब आप मुंह से करेंगे when you will do faithful prayer, और बोलेंगे and speak out, तो पहाड़ गिर जाएगा. That mountain will fall down. आज कैसा भी पहाड़ हो whether it is any कैसी परिस्थितियां हो any situation, कैसी भी समस्या हो any circumstance, मैं कह रहा हूँ हर एक पहाड़ गिरेगा यीशु मसीह के नाम से. ये मेरा विश्वास है. He have faith. आपका विश्वास है do you have तो faith? मैं कह रहा हूँ चाहे आप साउथ अफ्रीका में हो श्रीलंका में हो चाहे आप इटली इंग्लैंड अमेरिका न्यूजीलैंड कहीं पर भी रहते हो परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो मुसीबतों का पहाड़ गिराने वाला है लेकिन वो आपके मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है. But he is waiting to open your mouth. बाइबल बोलती है आपके मुंह खोलने पर स्वर्ग हिलता है. When you open your mouth, the heaven is shocked. जब आप मुंह नहीं खोलते स्वर्ग नहीं हिलता. When you don't open your mouth, the heaven is not आज जितने shook. जितने हालेलुया बोल रहे हैं Those who are saying hallelujah, वो अपने पहाड़ को गिरता हुआ देखेंगे वो अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होता देखेंगे. क्या आप तैयार है मिरेकल को करवाने के लिए? तो बाइबल बोल रही है कि आज मेरे पीछे बोले हालेलुया. मैं कह रहा हूँ जो हालेलुया बोलेगा मैं उसको डिस्काउंट दिलाऊंगा. Those who will say they would get a discount. आज आपको मकान में जॉब में घर में कपड़ों में हर चीज में डिस्काउंट दिलाऊंगा. There would be discount in every part of your life. अगर आप हालेलुया नहीं बोलते If you don't say hallelujah, आपको छोटी छोटी चीजें भी बड़ी महंगी महंगी मिलने लगेंगी. Then you get very expensive things. ये पास्टर लोगों के ऊपर गवाहियां हैं. There are testimony of pastors. आप विश्वासी लोगों की गवाहियां जब सुनेंगे Listen to the testimony of हैरान हो जाएंगे. You will be shocked. वो बताते हैं कि ये चीज इतने की नहीं थी. They tell us that it was not of that और मैंने इतने में ले लिया. But I have earned it. मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलने वालों को डिस्काउंट मिलने वाला आज रात यीशु के नाम में. Hallelujah, they will get a discount. Hallelujah, बोल. Hallelujah, say. और इसी समय स्वर्ग से डिस्काउंट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में. Discount is coming from heaven. मैं कह रहा हूँ आपका प्रतिफल आने वाला है यीशु के नाम में. Result is coming in the name of Jesus. लेकिन जब आप मुंह से नहीं बोलते विश्वास की बातें But when you don't say faithful things, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता. Lord, don't work in your life. क्योंकि वो अपने कानून से बंधा हुआ है. Because he is not वो अंधे भिखारी को बोल रहा था he was saying to बोल तू क्या चाहता है Say that what और अंधे भिखारी ने कहा मैं यही के प्रभु देखने लगूं. He said that only that thing I must see. और प्रभु ने कहा अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तू मुंह से बोलने लगे. Lord said that I also want that you must speak और वो उसी समय चंगा हो गया. And he was healed at that time. आज एक चंगाई आपके बोलने पर रखी है. Healing is at your speak. लेकिन अगर आप जितनी प्रार्थना करते हैं The way you pray, उतना मुसीबतों में चले जाते हैं. Then you become more in problems. एक बहन में दुष्ट आत्मा थी. There was an evil spirit in a sister. और वो अपॉइंटमेंट लेकर हमारे पास आई. And she took an appointment. और वो बता रही थी कि जितना मैं प्रार्थना करती हूँ उतना और मेरे को शैतान तंग करता है. She was telling the more I pray, the more I get disturbed. कह रही जितना मैं विश्वास करती हूँ जितना मैं बाइबल पढ़ने की कोशिश करती हूँ the more I have faith and read Bible, शैतान मुझे और तंग करता है. Satan attacks on me. मैंने कहा विश्वास से अगर प्रे की है तूने He said that if you have तो ये मुसीबतों का पहाड़ गिरने वाला जाने वाली है खत्म होने वाली. मैं कह रहा हूँ शैतान हारा हुआ है. Satan is lose. लेकिन आप उसको कई बार जिता देते हैं. But sometimes you make him आप उसको विनर बनाते हैं कई बार. You become him win. जब आप निराश हो जाते हैं When you become upset, आप डर जाते हैं you become afraid. और आप विश्वास की बातें मुंह से निकालना बंद कर देते हैं. And stop thinking faithful words. आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं you only do prayer. लेकिन मुंह से नहीं निकालते विश्वास की बातें. But don't claim anything. आज विश्वास करो. You need to have faith. आपको डर लगता है कई बार. Become you afraid. फिर जब मैं मुंह से निकालती हूँ When I will say, एक औरत मुझे बता रही थी A girl was telling. एक औरत मुझे बता रही थी A lady was telling. कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है That the Holy Spirit says, वो बता रही थी कि एक बार She was telling him, कि मैं जब भी कोई प्रार्थना करती हूँ Whenever I pray, तो मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है Something becomes wrong. वो डर जाती है.
जाती है. कई लोग हंसते हैं ज्यादा देर और उनके बाद उनको दुख देखना पड़ता है. इसलिए वो पुराने नियम के अंदर पुराने लोग ये बातें करते हैं कि हम ज्यादा नहीं हंसेंगे, हम ज्यादा नहीं रोएंगे, हम ज्यादा किसी कोई खुलकर बात नहीं करेंगे. नहीं नहीं, ज्यादा हंसते हैं तो माड़े दिन आ जाते हैं. आप डरे हुए हैं, आपको शैतान डरा रहा है. लेकिन बाइबल कह रही है विश्वास की प्रार्थनाओं से आज पहाड़ गिरने वाला है. लेकिन मुंह से विश्वास की बातें निकालने से पहाड़ गिरेगा. जब आप मुंह से विश्वास की बातें निकालेंगे, आज मेरे पीछे निकाले कि मेरे परिवार का भला होगा, मेरी दुकान चलेगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मैं विश्वास करती हूँ मुझे बच्चा होगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा काम बन चुका है, मैं आशीषित हो चुका हूँ. मैं आपको प्रेयर करना सिखा रहा हूँ. मैं आपको बोलना सिखा रहा हूँ. आप जैसे मेरे साथ बोल रहे हैं, आपके घर मिराकल होने वाले हैं. आप विश्वास करते हैं, Do you have faith? आज मिराकल होगा. योशू ने विश्वास से बोला, Joshua said it. अपनी प्रेयर में बोला कि मैं मेरा घराना विश्वास करेगा. Yes, my family मैं अपने घराने समेत सेवा करूंगा. I would serve his Lord. लेकिन कई लोग बोलते हैं प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा. But many of you said that Lord I will serve with you. तेरी पत्नी करने की दुकान खोलेगी क्या? Is your wife at the general store? आपको बोलना है you have to प्रभु say, मैं और मेरा घराना Lord, me and my तेरी family सेवा करेगा. Would serve you. आप जब खुद अपने लिए बोल रहे हैं when you're saying for yourself, तो आपके बोल को परमेश्वर सुन रहा है. The Lord is listening आपके to you. विश्वास के अंदर मिराकल होने वाला है. आज आपको विश्वास की बातें निकालनी है. Need to speak out. अगर आप तक पहाड़ नहीं गिरा, विश्वास से मुंह से बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ. Need to speak out from your mouth. मैं कह रहा हूँ पहाड़ गिरने वाला that है. Mountain will fall down. मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ. He's telling you a secret. अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ. Tell your neighbors. उसको वादा करो. You need to promise. मैं सीक्रेट किसी को नहीं दूंगा. I will not tell the secret to anyone. पर लाखों लोग सुन रहे हैं. But lots of people are listening. इस सीक्रेट को आप सुन सकते हैं. You can also listen. जितनी बार आप अंगीकार करते हैं, the more you claim. जितनी बार आप जोर जोर से बोल के प्रार्थना करते हैं, the more you pray out of your mouth. जितनी बार आप घोषणा करते हैं जोर जोर से, the more you claim out of your mouth. उतने ज्यादा स्वर्गदूत आपकी तरफ आते हैं. The angels are attracted towards you. आप जितना ऊंचा बोलेंगे, the more you speak out loud. विश्वास करेंगे, have faith. जोर जोर से विश्वास की बातें बोलेंगे, speak out loud, faith will घोषणा करेंगे, claim also. मैं कह रहा हूं पहाड़ गिरने वाला आज रहा. Mountain will fall down. आज कैसा भी पहाड़ है, whether it is any mountain, कैसी भी समस्या है, any problem, वो गिर चुकी है. It has fallen. जब हम मरकुस 11 का 23 पढ़ते हैं, when we read Mark chapter 11 verse 23, उसमें यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया. Jesus has written clearly. हम पढ़ते हैं उसको हिंदी में. It would read. हाँ. मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, यीशु आपसे सच कह रहा है, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़. क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और वो उखड़ जाएगा. हाँ हाँ. और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिति करे कि जो तू कहता है हूँ जो तू कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा. कह रहा है कि जो तू कहता है whatever you say, वो ही हो जाएगा. That will happen. यहाँ पर क्लियर लिखा है विश्वास से जो तू कहता है whatever you say with वो faith, हो जाएगा. That will happen. इसका मतलब आप विश्वास से कुछ कहते ही तो नहीं है. You don't say anything with faith. आप बोलते हुए डरते हैं. You become afraid while speaking. आप घोषणा करते हुए डरते हैं. You become afraid while आप कहो मेरी फैक्ट्री चलने वाली है. You need to say my factory. विश्वास से तू कहेगा. Have faith. लिखा है तू कहेगा. It is written you will say. मैं नहीं. Not me. तू. You. मैं नहीं. Not me. मैं फिर कर रहा तू. He's saying you. आत्मा आपसे बात कर रहा है. Holy Spirit is talking. जब तक तू नहीं कहेगा, till the time you will not say. जब तक तू प्रभु को नहीं कहेगा, you will not say to Lord. जब तक तू सुबह उठकर नहीं आएगा, you will not come in morning. प्रभु को नहीं कहेगा, not tell जब to तक तू शाम को उठकर नहीं आएगा, not come in the तू evening. प्रभु को नहीं कहेगा, not tell to the Lord. तब तक तेरी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली. Till the time your problems will not end. ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ. He's talking to those. आत्मा मेरे अंदर से होकर कह रहा है. Holy Spirit is saying. जैसा तू कहेगा, the way you will say, वैसा हो जाएगा. That will happen. यहाँ पर बाइबल कह रही है, Bible is saying, यीशु मसीह कह रहा है तू विश्वास से पहाड़ से कहेगा उखड़ जा. Have faith and then tell the mountain to fall down. वो उखड़ जाएगा. It would fallen. एक बार मैं अब मेरे घर के पास एक पेड़ था. There was a tree near his house. और जब मैं घर के पास से निकलता था, when he came out of तो that, वो पेड़ जो है मुझे डराता था. He became afraid of that tree. मैं प्रभु में नया नया आया. He was newly. उसने मुझे आवाजें सुनाई देती थी. And then he used to listen many noises. और मैं बड़ा डर गया. And he became afraid. और उसी समय मैंने पादरी को बताया. And then he told to his pastor, कि मेरे पास्टर मेरे साथ चल. That come with me.
बोला कि तू विश्वास के साथ प्रार्थना कर। You need to pray with faith. मैंने प्रार्थना किया। Then he prayed. मैंने जाकर कहा कि परमेश्वर ये पेड़ यहाँ से उखड़ जाए। He said that Lord, I have faith and it must be fallen down. और लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। But there was nothing. मैंने जब वचन को पढ़ा 11:23 को। When he read this verse. तो मैंने इसमें कहा देखा पढ़ा लिखा कि तू पहाड़ से कहेगा उखड़ जाएगा। If you will tell the mountain to fall down. तो मेरे अंदर विश्वास आ गया। Then he had faith. मैंने कहा अगर मैं पहाड़ को कहूंगा उखड़ जाएगा। I will ask the mountain. तो ये तो पहाड़ का बच्चा ही है। Then it is the son. ये तो पेड़ ही है। It is only tree. ये तो उखड़ जाएगा। It can fall down. और मैंने जाकर उसको कहा मैंने कहा चल पेड़ उखड़ जा। Then he told that fallen tree. लेकिन भाई साहब कुछ नहीं बिगड़ा। But there was nothing. एक पत्ता तक नहीं हिला। Even not a leaf. और जब मैं वापिस चला when he got up, तो पेड़ से फिर आवाज आई। There was a voice again. कहा उखाड़ उखाड़। He said that you फिर बोल फिर बोल। Make me fall. कहा तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। There is nothing out of your prayer. मुझे ऐसी आवाजें आ रही है। He used to listen these things. जब कोई पास्टर किसी में से दुष्ट आत्मा निकालता है when a pastor used to उसी समय उसमें से आवाजें आती हैं दुष्ट आत्मा से। He used to listen many evil spirits. जा जा मैं तेरे से नहीं जाने वाली। No, I will not go from you. और उसी समय पास्टर होपलेस हो जाता है। And pastor become hopeless. माँ बाप आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। Parents start to discussing. ये तो इस पास्टर के बस का कुछ नहीं है। It is not for this pastor. लेकिन नहीं वो गिरा रही है आपको। But no, it is making you fall. It's making you upset. वो आपको अपसेट कर रही है। It is making you upset. आपको निराशा में नहीं जाना। You not need to pray. यहाँ क्या लिखा जब तू विश्वास से कहेगा पहाड़ को कहेगा उखड़ जा और प्रतीति कर लेगा जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर उसी समय मैं जब निराश हो गया when he become upset, मैंने 3 फास्टिंग किया he had done 3 fasting, फिर गया again he लेकिन पेड़ नहीं गिरा but the tree फिर was मैंने 7 फास्टिंग किया नहीं गिरा फिर मैंने 21 फास्टिंग किया फिर भी नहीं गिरा पेड़ fasting, it was not फिर मैंने 40 फास्टिंग किया then he did 40 fasting, ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा but the tree was not fallen. लेकिन जब मैंने वचन को ध्यान से पढ़ा but he went read the Bible carefully, और परमेश्वर ने मुझे कहा and the Lord told him, कि ध्यान से पढ़ बेटे read it carefully my son, इसमें लिखा है हो जाएगा it would happen. प्रेयर करके आ जा यू नीड टू प्रे एंड देन विश्वास से बोलकर अपने घर आ जा से इट विद फेथ एंड देन लिखा हो जाएगा इट वुड हैपन जैसा तू कहेगा व्हाटएवर यू विल से तेरे लिए हो जाएगा इट वुड हैपन फॉर यू और उस दिन मेरी समझ में आया देन ही कम और मैं पेड़ के पास गया देन ही गो टू द ट्री और मैंने पेड़ को कहा पेड़ उखड़ जा एंड सेड टू द ट्री फॉल और एक बारी कह दिया मैंने कहा हो चुका है एंड ही सेड दैट इट डिड हैपन और मैं वापस आ गया एंड ही केम बैक पेड़ मुझे बार-बार कहता रहा ट्री वाज सेइंग हिम लेकिन जब मैं सुबह उठा बट व्हेन ही मैंने देखा रात एक बड़ी आंधी और तूफान आया और वो पेड़ वहां नहीं था मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कह रहा हूँ आप जब तक विश्वास से नहीं बोलते तब तक वो पत्थरियाँ पेड़ में से सरकती नहीं है आप मुंह से बोलो पत्थरी सरक जा अरे सुबह उठो तो सही यू नीड टू वेक अप मॉर्निंग टॉयलेट जाओ तो सही सरकेगी भाई साहब लेकिन हो जाएगा और सरक जाएगी रसोली निकल जा अरे इसी समय सर्वाइकल जा पथरियाँ जा बीमारियां जा कैंसर जा अरे आप बोलो कैंसर जा रहा है जा रहा है मेरी प्रॉब्लम जा रही है आज पहाड़ बड़ा नहीं है माउंटेन इज नॉट बिग आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है योर प्रॉब्लम इज नॉट बिग आपका विश्वास बड़ा है योर फेथ इज बिग तो आज पहाड़ छोटा होने वाला है माउंटेन इज स्मॉल बीमारियां छोटी होने वाली है प्रॉब्लम्स विल बी स्मॉल At that time, स्वर्ग में नहीं मिलेगा द लॉर्ड इज नॉट इन हेवन भाई साहब इस समय यहाँ मिलेगा ऑनलाइन चर्च चल रहा है द लॉर्ड इज अटेंडिंग द ऑनलाइन चर्च संडे के दिन स्वर्ग में नहीं मिलता यीशु मसीह ऑन संडे जीसस क्राइस्ट इज नॉट हेवन चर्च के अंदर मिलता है He is in church. आप चर्च में बैठे यू आर सिटिंग इन चर्च फीलिंग स्लो यू नीड टू बी फील दैट मैं कह विश्वास करो हैव फेथ मुंह से बोलना स्टार्ट करो स्पीक आउट ऑफ योर माउथ मेरा बच्चा आशीषित हो रहा है माय चाइल्ड इज ब्लेस्ड मेरा काम खुल चुका है माय वर्क इज ओपन मेरे पति ने नशा छोड़ दिया है माय हस्बैंड हैज लेफ्ट अल्कोहल मैं घोषणा करती हूं आई क्लेम दैट आज आपके क्लेम करने पर आफ्टर क्लेमिंग रिजल्ट आने वाला है चर्च रिजल्ट आपकी आशीषें आने वाली है योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग सुबेदार को कहा परमेश्वर ने God told to governor, करे जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए Go on, the things happen according to your faith. सुबेदार ने कहा प्रभु यीशु मसीह Governor, tell to the Lord. मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है No need to come at my house. यहीं से कह दे You just say at that place. मेरा नौकर चंगा हो जाएगा My servant would be healed. यीशु मसीह ने कहा इतना बड़ा विश्वास Jesus said, such a big faith. जा तेरा नौकर आपके मुंह के कहने से चंगा होने वाला है After saying out of your mouth, मुंह खोलकर प्रे करने से चंगा होने वाला है pray, that would heal. जब आप मुंह खोलकर प्रे करते हैं बोलता है परमेश्वर के दास ये अकाल हट जाए बारिश आ जाए There must be rain in our kingdom. हमारा मौसम चेंज हो जाए Our season should be changed. हमारा सीजन आ जाए There must be our season. बेशक आपके ऊपर आ coming. हम देखते हैं क्या लिखा It is written.
और उसने अपने प्रार्थना नहीं करते, we don't pray. हम थक जाते हैं, we become एक साल करते हैं, जब हमें नहीं मिलता हम छोड़ देते हैं प्रार्थना करना, उसी समय at that time, the Holy Spirit, उसी समय हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, he don't listen to our prayers. उसी समय हमारे जो आशीषों का उत्तर हमें नहीं मिलता, we don't get our answers of prayer. लेकिन परमेश्वर का आत्मा में बताना चाहता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रोई जा रहा था, लेकिन उसने फिर खड़ा किया, वो करता रहा, प्रे करता रहा, प्रे करता रहा, फिर वो गिर जाती, फिर खड़ा करता, फिर प्रे करता, क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, बड़े बड़े कामों को जिंदा कर सकता है, जान डालने वाला परमेश्वर तेरे पास है, और उसने उसी समय प्रेयर किया, लेकिन 16वीं बार उसने फिर हिम्मत करके खड़ा किया, but the 16th time his सारी रात उसने निकाल दिया, the night was gone. और उसने उसी समय जब प्रेयर किया, but when he prayed, पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया, Holy Spirit done a miracle. जब उसने 16वीं बार में कहा, when he said for the 16th time, कैसी समय मेरी पत्नी चंगी हो जाए, why should be healed? जिंदा हो जाए, she should be alive. यीशु के नाम में, in the name of Jesus, मैं विश्वास करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, आत्मा ने इसके अंदर जान डाल दी है, आज फिर से आत्मा इसके अंदर आ गई है, और इसी समय वो फिर से खड़ी हो गई, और एक मिराकल हो गया, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है, वो एक बार में भी चंगी हो सकती थी, पादरी का विश्वास देख रहा था, लॉर्ड वाज चेकिंग द पास्टर्स फेथ, बहुत बार परमेश्वर हमारा विश्वास चेक करता है, many times he checked our faith. आज मैं कह रहा हूँ विश्वास करने से नहीं होगा, it would not happen only because of faith. आपकी आशीषें विश्वास के मुंह से निकालने से भी आपकी आशीषें खुलेंगी, आज विश्वास को बाहर निकालने से आपके काम बनेंगे, जब हम मरकुस 4:39 पढ़ते हैं, आंधी आ गया, तूफान आ गया, बहुत लोगों के जीवन में पहाड़ जैसी समस्या है, लेकिन अगर आप मुंह से बोल रहे हैं, आपकी विश्वास की प्रार्थना आज पहाड़ को खत्म करने वाली है, आज उन समस्याओं को खत्म करने वाली है, यहाँ पर आंधी और तूफान आ गया, घबरा गए, विश्वास से प्रार्थना करने लगे, यीशु मसीह उठ जा, हमारी प्रेयर को सुन, तूफान आ गया है, ध्यान से सुनेंगे, हाँ क्या लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यहाँ पर यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और उसी समय तूफान शांत हो गया। He rebuked the wind and that was quiet. ये परमेश्वर है। This is Lord. आपकी जिंदगी में कोई तूफान उठ रहा है, कर्जे का तूफान है, बीमारी का तूफान है, कैसी समस्याओं का तूफान है, लेकिन बाइबल बोल रही है, जब तक तू नहीं कहेगा तूफान नहीं जाएगा, इनके नाव में तूफान था, समुद्र में तूफान था, मौत लटक रही थी, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह को जाकर कहा, जाकर कहा, हमें बचा, आज जब तक आप नहीं बोलते परमेश्वर काम नहीं करता, याद रखना, परमेश्वर आपके मुंह बोलने का इंतजार कर रहा है, मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है, कि ये कब मुंह खोलेंगे, विश्वास की बातें बोलेंगे, आज ही मैं इनके घर में बच्चा देने वाला, आज ही मैं इनकी जिंदगी में आशीष देने वाला, आज ही मैं कर्जे को हटाने वाला, आपके मुंह खोलने पर ये नाव पलट सकती थी, अगर ये मुंह ना खोलते, यीशु मसीह जानबूझकर सो रहा था, और उसी समय जानबूझकर देख रहा था कि कौन कौन मेरे पास आएगा, हो सकता है कि आज परमेश्वर भी जानबूझकर देख रहा हो, आपको लग रहा हो परमेश्वर सो गया है, आपको लगता है जब कर्जा हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, आप प्रार्थना करते रहते हैं, आपको लगता है शायद परमेश्वर सो गया है, अरे परमेश्वर सोया नहीं है, वो बोलता है मैं ना ऊंघता हूँ ना मैं सोता हूँ, मैं तो जागता रहता हूँ, लेकिन किन के लिए, करा उनके लिए जो मुंह खोलकर प्रार्थना करना जानते हैं, मुंह खोलकर विश्वास की बातें बोलना जानते हैं, आपको मुंह से विश्वास की बातें निकालना है, अगर आप मुंह से गलत बातें निकालते हैं, if you're saying abuse, तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, you can read Bible. यहाँ पर क्लियर लिखा, जैसा तू कहेगा you will say, हाँ वैसा हो जाएगा, yes, it would happen. हाँ, पता नहीं मैं ऑपरेशन मनू ऑपरेशन ना कराना पड़े, I must get operation अगर done. आप ऐसा कर रहे हैं ऑपरेशन होने वाला, if you are thinking there must be, अगर आप कह रहे हैं पता नहीं मेरा वीजा लगे नहीं लगेगा, you are thinking there must be visa or not, आपकी रिफ्यूजल लगने वाली है, there can be a refusal. मत कहो ऐसा, स्टॉप करो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, Lord is talking to you. और वो कहना चाहता है, and he wants to say आपका तूफान में शांत कर सकता हूँ,
going to be calm. आज क्या आपको तूफान लग रहा है? There is any thunder. हो सकता है आपका पति आपके लिए तूफान हो. There must be thunder in your husband. रात को शराब पी कर आता हो. आपका बच्चा आपको तूफान लग रहा हो. Your child in a thunder. आपको मारता हो. He must be beat you. आपको घर से निकाल दिया हो. You are a thunder. लेकिन कैसा तूफान है आपके पास? But what thunder you are having? कैसा तूफान है? What thunder you are having? एक से एक तूफान को यीशु शांत कर सकता है. Jesus can stop any thunder. एक आदमी मेरे पास आया. There was a brother near him. और मुझे बोलता है. And told him. पास्टर जी. Pastor. करा मेरी पत्नी के साथ मेरा तलाक हो जाए. There must be a divorce with my wife. नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँ. Otherwise I will suicide. मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? He said that what happened? बोलता है ये बहुत झगड़ा करती है. She fights with me a lot. करा तूफान है तूफान. It is a thunder. मैंने कहा फिर क्या हो गया भाई साहब? He said that what there are. बोलता है करा नहीं ये बहुत गुस्से वाली है बहुत झगड़ा करती है मेरा कहना नहीं मानती. She is very scolding and fights a lot. करा मैं इसको छोड़ दूंगा. I won't leave her. करा ये तूफान है मेरे लिए. It is a thunder for me. मैंने उसको एक किस्सा बताया. He told him an experience. आपको भी बता रहा हूँ. He is telling you. आप जितने लोग पति लोग हैं, those who are husband, आदमी लोग हैं, those who are gentlemen, वो थोड़े से चौड़े हो जाओ. You need to be bold. आज आपकी तारीफ करने वाला हूँ. He is going to praise you. आपकी 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 ससुराल में आपकी ज्यादा प्रशंसा क्यों होती है? There is more praise in your जब आप ससुराल में जाते हैं आदमी लोगों की क्यों तारीफ होती है? When you go to your in-laws, there उनका इतना ध्यान क्यों रखा जाता है? Why there is very take care उनकी इतनी उनकी देखभाल कैसे होती है? Why this too much take आपको पता है जब पति ससुराल में जाता है when the husband go to their जब जीजा ससुराल में आता है when there is an in-law go to their house, तो जब वो ससुराल में जाता है उनकी पुरानी चद्दर होती है there is an old blanket. बेड पर नवी चद्दर मिलेगी जीजा को. New mattresses. आदमियों को ससुराल में नवा कप मिलेगा पीने के लिए चाय. Men would get a new cup in नई थाली मिलती है खाने के लिए. There would be a new plate. और नवा तौलिया मिलता है. Even a new towel. नई साबुन मिलती है. A new soap. और कई बार जीजा का दिल करता है and the man says, मैं यही रह जाऊं. I need to live here. ससुराल बड़ा अच्छा है. In-law's house is very good. भाई साहब वो अपने लिए बेशक गंदा तौलिया यूज करते हो whether he used bad towel. लेकिन जब जीजा घर में आ जाता but है when the man would come, उसके लिए बड़ा अच्छा अच्छा पकवान बनता है. Yes, there is very good food. चाहे घर में दो दिन की सब्जी ना बनी हो whether the food has लेकिन not अगर अगर, अगर ससुराल में जीजा आ गया है but if the man has came अगर आपका पति ससुराल गया है your husband has went to the in-laws, हो सकता है हमारा पास्टर अशोक भी जब ससुराल जाता हो तो वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बनते होंगे. There must be many good food for him. जब अकबर भी ससुराल जाता है तो तौलिया साबुन भी नवी नवी आती है. आपके साथ भी ऐसा होता होगा. It would happen for you. तारीफ करते हैं. They would praise you. और हमारा पास्टर अकबर तो दो दिनों के ससुराल में से आता ही नहीं है. And Pastor Akbar don't came for two days. वो दो दिन लगा कर आता है. He kept for two leaves there. वहाँ पर उनको अच्छा लगता है. They become very peaceful there. वहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगता है. They become very good there. वहाँ पर जीता साले से काम ही कराता रहता है. But the man always make him work. और साले को गुस्सा आता है. And the brother-in-law become angry. और अपनी माँ को बोलता है. And tells to his mother. जीजा कब जाएगा? When he will go. इसने मुझे परेशान कर दिया है. मुझे रोज बोलता है साले आज रसगुल्ले लेकर आ. He always tells me. साले आज समोसा लेकर आ. To bring a samosa. आज मुर्गा लेकर आ. To bring chicken. आज बोतल लेकर आ. To bring a bottle. आज फलानी चीज ले गया. To bring something new. आज मेरे जूते पॉलिश कर दे. To polish my shoes. कितनी सेवा होती है आप लोगों की. How much work और बड़े खुश हो जाते हैं. And you become very happy. लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ. But he is telling you. अरे आपकी ससुराल वाले आदमी लोगों की क्यों इतनी सेवा करते हैं? Why they praise you so much? ओ उसके जब उसके लड़के ने कहा माँ मैं अभी जीजा को भगा दूँ. The when the boy said that उसकी माँ ने कहा नाना बेटा. The mother said no. इसको मत भगाना. Don't run him away. करा इसके साथ झगड़ा नहीं करना. Don't fight with बोलता him. है भाई. Why? बोलता है इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है. बोलता है इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा. He has taken care of the thunder of our house. करा ये औरतें करा ये लड़कियां तो तूफान है तूफान. These ladies are thunder. ये आप तूफान है. Are you thunder? करा है कि और उसी समय बोलती है करा ये तूफान है. That yes, they are thunder. इसने हमारे घर को तूफान को संभाल रखा है. He has taken care of us. करी बेटे अगर इसे झगड़ा करेगा if you will fight with him, तो ये हमारी लड़की को वापिस छोड़ जाएगा. Then our daughter would be back to our और उसकी माँ और उसका भाई समझ जाते हैं. And his brother understood. और फिर से बेचारे जीजा की सेवा में लग जाते हैं. ये सिलसिला चलता रहता है. It goes on. आप देखते हैं you see, जब उनकी शादी होती है when they get married, तो लड़की को बोलते हैं बेटी शादी करा ले. They tell to the girl that क्या लेगी? बोलती है एसी लूंगी. कहती है एसी भी ले ले. He said that कार भी ले ले, अलमारी भी ले ले, अरे बेड भी ले ले, you can have anything. सोना भी ले ले, even the gold. जो चाहिए ले ले. You need anything. पर हमारे घर
घर का तूफान कहीं और चला जा। और आपने देखा होगा जब कार जा रही होती है तो उसके ऊपर पंजाब में ठनियां चोनियां फेंक रहे होते हैं। There are many coins over there. ये फेंक रहे होते हैं साडे को ए बचिया ए भी ले जा जा साडे तूफान एना दे घर चला जा। They always say these things. आपने देखा क्या नहीं? You have seen. अरे मैं यही बताना चाहता हूँ लेकिन आदमी लोग आज परेशान है आज कह रहे कि हमने दूसरों अरे इनके घर का तूफान अपने सिर पर ले रखा है और कह रहे हैं कि अब ये तूफान हमारे से नहीं संभलता है। आप हो सकता है आपकी पत्नी आपके लिए तूफान हो, आपकी सास आपके लिए तूफान हो, आपके बच्चे आपके लिए तूफान हो, आपका पति आपके लिए तूफान हो। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ आप चिंता ना करें, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। वो कह रहा है यीशु मसीह के पास आओ, वो आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है आपकी पत्नी शांत नहीं हो रही, चकड़ 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 बोली जा रही। He's speaking out aloud. आपका पति शांत नहीं हो रहा, पकड़ 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 करी जा रहा। He's speaking out aloud. आपका लड़का शांत नहीं हो रहा, आपकी सास शांत नहीं हो रही। अरे भाई साहब प्रेयर में जाओ ना, विश्वास से बोलो ना परमेश्वर को, परमेश्वर को कहो एक बार, आत्मा को कहो कि जब तू आंधी तूफान को शांत कर सकता है तो मेरी औरत को शांत नहीं कर सकता क्या, मेरी सास को शांत नहीं कर सकता क्या, मेरे बच्चे को शांत नहीं कर सकता क्या, मेरे पति को शांत नहीं कर सकता क्या, अरे मेरे पड़ोसी को शांत नहीं कर सकता क्या। आपके घर में कौन सा तूफान उठ रहा है? आज आत्मा आपसे सवाल कर रहा है, मेरे अंदर से कौन सा तूफान उठ रहा है आपके विचारों में, कौन सी विचार आपको डरा रहा है, कौन सी प्रॉब्लम उठ रही है, कौन सी प्रॉब्लम तूफान बनकर खड़ी है। आज ही मैं आपके तूफान को शांत करवाने वाला हूँ, आज आपका तूफान शांत होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम शांत होने वाली है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ जितने लाइव में देख रहे हैं उनके जीवन में जितने तूफान है आज के बाद शांत होने वाले हैं। क्या आप तूफान को शांत कराना चाहते हैं? विश्वास करें कि प्रॉफिट बजिंदर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, तूफान शांत हो गया है। मैं विश्वास के साथ लाइव में बैठा हूँ, मेरा तूफान शांत हो गया है, मेरी प्रॉब्लम चली गई है। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? जैसा तू कहेगा वैसा होगा। नहीं कहेगा यीशु तूफान शांत नहीं करेगा। मैंने उस आदमी को कहा अपनी औरत को तलाक मत दे, मेरे घर का तूफान है, मैं यीशु मसीह से शांत करवा दूंगा। It would be calmed by Jesus. और आज वो बड़े सुखी हैं। And now they are very blessed. उनके पास एक बच्चा भी है। They also have a baby. आज वो इटली के अंदर है। They are in Italy. अभी वो बहन मुझे देख रही होगी। And the sister must be watching him. परमेश्वर उसको आशीष दे। And the Lord may bless her. पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। The Holy Spirit wants to tell. आपके ऊपर दया करना चाहता है। He wants to bless you. वो कह रहा है, कहता है आपको विश्वास करना पड़ेगा। You need to have faith. आपके जीवन में घटी है। There is a loss. कर्जा है। And debt. अकाल पड़ गया है। And problem. बीमारी आ गई है। Sickness. आप अपने दिमाग को तूफान मत बनाओ। Don't take your mind as upset. आप गुस्से में मत आओ। Don't be angry. आप कैरी मत करो, रो मत। Don't cry. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। The Lord is saying. पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें जीवन दूंगा। He would give you life. जब हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति के 26 के 2 में, When we read Genesis chapter 26 के 2 में क्या लिखा? It is written in chapter 26. वहाँ पर एक जगह अकाल पड़ गया। There was और बाइबल बताती है अब्राहम से के दिनों से भी बड़ा अकाल पड़ा। And there was many much problems. और उसी समय इसहाक के पास भी जब अकाल पड़ा, When there was problem with Isaac also, तो इसहाक जो है अपना देश छोड़कर भाग रहा था मिस्र के अंदर। He used to run away in Misr. तो परमेश्वर ने उसको एक बात कही, पढ़ेंगे। And Lord told her. वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। देखो क्या लिखा यहाँ पर, परमेश्वर ने इसहाक को कहा, बेटे करा विश्वास कर, करा मिस्र में मत जा। और उसी समय वो बता रहा था विश्वास कर, यू नीड टू हैव फेथ, के मिस्र में मत जा। Don't go to Misr. कह रहा मेरी बात पर भरोसा रख। Listen at my words. लेकिन कह रहा था डैडी यहाँ पर अकाल पड़ा है। But there is problem over the city. आज हो सकता है आपके देश में अकाल पड़ा हो। There must be problem in the city. हो सकता है आपके बैंक बैलेंस में अकाल पड़ा हो। And your हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो। There must be no हो job. सकता है आपके पास जॉब ना हो। You don't have any job. आप कह रहे हैं मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, मैं इंडिया चला जाऊंगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं काम करूंगा, वहाँ पर मेरा अकाल हट जाएगा। अरे अकाल ऐसे नहीं हटने वाला। No, it would not go. यीशु मसीह की बात मानने के बाद अकाल हटने वाला है। परमेश्वर की बात मानने के बाद अकाल हटने वाला है। यहाँ पर जब उसने बात मान ली इसहाक ने, When he obeyed the word, इसहाक को परमेश्वर ने वादा किया, कह रहा मेरे ऊपर विश्वास कर, कह रहा मैंने तेरे पुरखों से वादा किया है, मैं यहीं पर तेरी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का लगाऊंगा, इसी
फसल को मैं तैयार करूंगा, यहीं पर मैं तुझे गेहूं दूंगा, यहीं पर तेरी फसल को 100 गुना दूंगा। 30 गुना दूसरे देशों में नहीं पा सकता, 100 गुना अपने देश में पाने वाला है। 100% in your और उसी समय इसाक ने इस बात पर विश्वास किया, इसाक realized, और उसी समय उसने 100 गुना पाया। बाइबल के अंदर पहला शख्स है जिसको मैं देखता हूँ इसने 100 गुना फल पाया। बाइबल बता रही है कि आज यीशु मसीह भी यही बोलता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आप बीज तो बोते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, चर्च आते तो है, लेकिन आपको कभी 30 गुना मिलता है, किसी भी महीने में 60 गुना मिलता है, लेकिन 100 गुना नहीं मिला आज तक। लेकिन आज मेरी प्रार्थना से आपको 100 गुना मिलने वाला है। आप विश्वास करें, यीशु कह रहा है, Jesus is saying, कि विश्वास करके आना है। आपको विश्वास करने पर पहाड़ आपका गिरने वाला है, आंधी तूफान खत्म होने वाला है, जब तक हम मुंह से नहीं निकालते। इसलिए आपको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। तो बोलते हैं पादरी मेरे सिर पे हाथ रख, पास्टर प्रे ऑन आवर्स, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को जानता है। पहले आपको प्रार्थना करानी है, First you need to pray. खुद करनी है, you need to pray yourself. फिर अगर नहीं पहाड़ गिरा तो फिर आप पास्टर के पास जाएं। The mountain is not fallen, then वो गिरेगा। It would fall. आप विश्वास करें। Have faith. पेड़ से फल लेने के लिए to take a fruit from a tree. पहले पानी दिया जाता है। You need to make it water. आपको भी परमेश्वर से फल लेने के लिए to get a fruit from love. पहले अपने अंदर विश्वास के पानी को जगाना पड़ेगा। You need to wake up the water. पहले अपनी प्रेयर को जगाना पड़ेगा। You need to wake up your prayer. पेड़ कभी नहीं बोलता मैं खड़ जाऊंगा, we don't say that I would fall down. प्रभु को छोड़ दूंगा, I would leave God. लेकिन आज विश्वासी बोलते हैं, but the believers say, मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, I would leave Jesus. मेरा काम नहीं बनेगा, I would not happen. मैं छोड़ दूंगा, मैं चर्च नहीं आऊंगा, I would not go to लेकिन church. बाइबल आपसे बात कर रही but है, the Bible is saying, ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, the Holy Spirit has जिनको ऐसा लग रहा है, those who are taken. अगर आप नेपाल में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में, बिहार में, आप महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, इटली में, अमेरिका में, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, कहीं से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, the Lord is saying, कह रहा है, मैं आज आपके मुंह खोलने का इंतजार कर रहा हूँ। Lord is waiting to open your mouth. और कह रहा है, जैसे मैं अंधे के मुंह खोलने का इंतजार कर रहा था, the blind was waiting. कह रहा है, ऐसे ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, the same you are waiting. तुम्हारे मुंह खोलने पर, to open your mouth. आज मैं पहाड़ को गिराने वाला हूँ, the Lord will make the mountain fall. आज विश्वास से मुंह खोलने पर, speak out with faith. आंधी और तूफान को शांत करने वाला हूँ, आज कर्जे का तूफान शांत होने वाला है, the debt would come. लेकिन बाइबल बोलती है, the Bible says, मत्ती 11 के 28 को जब हम पढ़ते हैं, बहुत से दबे हारे लोगों, मेरे पास आओ, आपके ऊपर कैसा बोझ है, आज आपके ऊपर बच्चों की फीस देने का बोझ है, हो सकता है आपके ऊपर बोझ है कार की किस्त देना है, घर की किस्त देना है, अगर आज आपके ऊपर किस्तों का बोझ है, आप चिंता कर रहे हैं, अब मैं अपने परिवार का बोझ कैसे उठाऊंगा, अब मैं 2020 में क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, नथिंग वुड हैपन, मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ, He's saying to those, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, Nothing would happen. अमिताभ बच्चन का भी डायलॉग यही है, even the same dialogue of तेरा क्या होगा कालिया, what would happen of you कालिया, लेकिन क्या होगा, but what would happen, जो मन के काले हैं, those who are black of their heart, मैं ऊपर से नहीं कह रहा हूँ, he's not saying from my से कह रहा हूँ, he's saying from जो 50-50 जीवन जी रहे हैं, they are living their life, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, चेंज करो अपने आप को, you need to change yourself, तेरा विश्वास के साथ आओ, have faith, परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, he is the Lord of faith, कह रहा है विश्वास से मुख खोलो, you need to open your mouth, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, जितना आप बोलेंगे उतना एंजल उतरेंगे आसमान से, आपके बोझ को परमेश्वर ने उठा लिया है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, but you don't have faith. एलिया परमेश्वर की सेवा कर रहा था, एलिया used to serve God. एक रात राजा अहाब और इजबेल ने प्लान बनाया, one night there was a plan from King Ahab, कि हम इसको मार देंगे, that we would kill him. और एलिया दौड़ते हुए एक पेड़ के पास ठहर गया, एलिया went to a tree और पेड़ के पास बैठ कर रोने लगा, he started crying, चिल्लाने लगा, shouted, और इतना रोया प्रार्थना करके, मुंह खोल कर चिल्ला चिल्ला कर, और भूखा ही सो गया, and he slept away. दो स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और बोलते हैं, उठ जा, wake up, खाना खा, eat the food, पानी पी, drink water. और वो उठ गया और खड़ा हो गया, he wake up, पानी पिया, drink the water. बोलता है निराश ना हो, don't be afraid. बोलता है तूने खुदा का बोझ उठाया है, अब से खुदा तेरा बोझ उठाएगा, ईश्वर के नाम में मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर आप रोज सुबह उठते हैं, अगर आप 5 लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, 5 लोगों को अपनी गवाही देते हैं, आपने प्रभु का बोझ उठाया है, प्रभु बोलता है ऐसे लोगों से, तुम्हारा बोझ मैं जब उठाऊंगा,
आप अपना बोझ रोज सुबह कर देते हैं, परमेश्वर मेरा बोझ ले ले, मेरा बोझ ले ले। परमेश्वर आपका बोझ नहीं लेता। कारण है ये बोझ, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का बोझ नहीं लेते। परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा सुसमाचार सुनाएगा वो आशीषित हो जाएगा। फिर आप पांच लोगों को जाकर गवाही बताओ, फोन कर उनके लिए दुआ करो, पांच आत्माएं बचा कर लाओ। आप आज वादा करो परमेश्वर से कि मैं रोज पांच आत्माएं बचाऊंगा, मैं रोज पांच लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुद आपका बोझ उठाने वाला है। आपके बच्चों की आपकी फीस का बोझ परमेश्वर उठाएगा, आपकी गाड़ी की किस्त का बोझ उठाएगा, आपके घर की इंस्टॉलमेंट का बोझ परमेश्वर उठाएगा, आपकी बीमारियों का बोझ उठाएगा। अरे परमेश्वर उठाने वाला अगर एलिया का बोझ उठा सकता है तो आपका बोझ क्यों नहीं उठा सकता? लेकिन क्या आपके अंदर ये बात है? क्या आप विश्वास से किसी को गवाही बांटते हैं? आप अपनी गवाही को बांटो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपका बोझ उठाने वाला है। यहोवा ने एलिया को कहा नाले में जा और वहां जाकर बैठ जा, मैं तुझे वहां रोटी दूंगा। विश्वास कर चला गया। मैं देखता हूँ कौन जाता है नाले में। अगर मैं आपको कहूँ जाकर गटर में बैठ जाओ, go on, sit. आप बैठेंगे? You? नहीं बैठते। No, you would not. आप जब स्टेशन पर उतरते हैं, when you wake up at the station, कुली आपके पीछे होता है। There are many persons after you. वो बोलता है अपना बैग दे दो, अपना बैग दे दो। Give me us your bag. आप अगर आपके बैग में 5 लाख रुपए हैं, there are 5 lakh in a bag, आप उसे नहीं देते। You don't give it. वो कहता है मैं आपका बोझ उठाऊंगा। I would take your bag. आप बोलते नहीं नहीं ये बोझ मैं उठा लूंगा। You say no, I would take it myself. और ऐसे लोग भी हैं। And there are many. अगर यीशु मसीह कहे आपको आगे ला मैं तेरे 5 लाख मुझे दे दे मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। If Jesus said that give me 5 lakh to me, वो लोग बोलते हैं नहीं प्रभु ये बोझ तो मुझे उठाने दे। They say that no Lord, it can't be. आज ये बोझ आप उठा रहे हैं। You are taking this. आप अपने पैसे को तिजोरी को संभाल रहे हैं। You are making care of the burden. अरे आप परमेश्वर का बोझ उठाओ। You need to take the burden. सुसमाचार का बोझ उठाओ और विश्वास से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है आज ही आंधी और तूफान शांत होने वाला है, आज ही तुम्हारा बोझ खुदा उठाने वाला है, आज ही परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन विश्वास नहीं करते लोग। यहाँ पर राजा ने कहा और उसी समय एलिया को कहा, परमेश्वर ने कहा उतर नाले में जाकर बैठ जा। अगर मैं कहूँ किसी को कोई प्रॉब्लम है जाकर नाले में बैठ जाओ, वो कहेगा पादरी का दिमाग खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर उसी समय एलिया ने विश्वास किया और नाले पर बैठ गया जाकर। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे विश्वासी हैं। एक विश्वासी मेरे पास आया, आज से 7 साल पुरानी बात है। Before 7 years, वो 2000 की नौकरी करता था। She used to get 2000. मैं वो कह रहा था कि मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं कहीं और अपना काम स्टार्ट कर लूं। I must leave my job and get my own business. मैंने कहा नहीं। He says that no. मैंने कहा परमेश्वर तुझे यहीं पर आशीष देगा। God will bless you right now. खैर आज इतने साल से नौकरी कर रहा हूं, 2000 दे रहा है। I have been working for many years. अरे मैंने कहा दिहाड़ी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 2000 तो ले रहा है। Even you are getting 2000. खाना खर्चा सब कुछ, तेरा पेट्रोल सब कुछ दे रहा है कि नहीं? He is giving you everything. बोलता हां दे रहा है। मैंने कल लगा रहा यहाँ पर, परमेश्वर काम करने वाला है। और एक रात परमेश्वर ने उस लाला से बात कर लिया, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और उसे बात कर लिया कि तू इस आदमी को अपनी संपत्ति का पार्टनर बना ले। और उसी समय उस व्यक्ति ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद बोलता है, कह रहा है कि तू मेरी फैक्ट्री का कह रहा है आधा पार्टनर बन सकता है, मालिक बन सकता है। वो बोलता है मेरे तो 2000 मेरी सैलरी है। I have only 2000 as my salary. वो बोलता है कोई बात नहीं, nothing can happen. तेरे जैसा ईमानदार मैंने आदमी नहीं देखा। Such an honor. अरे तू 20 साल से मेरे पास सेवा कर रहा है। You worked from 3 years with me. वो रो पड़ा लाला। He started crying. कह रहा मेरी अर्थी को कंधा देने वाला तू ही है मेरे पास। You can't give shoulder to my dead body. कह रहा अगर मेरी प्रॉपर्टी तेरी भी हो जाएगी क्या दिक्कत है? If my property is yours, nothing. और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। He knows that person. आज उसका बच्चा न्यूजीलैंड में है। His child is in New Zealand. उसके पास 3 फैक्ट्रियां हैं। He has 3 factories. 3 ट्रैक्टर, 3 ट्रक हैं। He's having 3 trucks. है, 2 मकान है। कितना आशीषित हो गया वो। सिर्फ उसने मेरी बात को माना। सिर्फ उसने परमेश्वर की बात को माना। अरे इसाक भूखा मर सकता था अगर परमेश्वर की बात को ना मानता। आज बहुत सारे विश्वासी जब परमेश्वर की बातों को नहीं मानते वो खटी में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, वो कर्जे में चले जाते हैं। परमेश्वर की बात मानने वाले लोग रिच होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स भटने वाली। और उस व्यक्ति ने मेरी बात को माना और यहाँ पर मैं
देख रहा था एलिया ने परमेश्वर की दास की बात को, परमेश्वर की बात को मान लिया और जाकर नाले में बैठ गया। बोलता है मैं भेजूंगा किसी को। मैंने कौवे को आदेश दिया है तुझे आज रोटी देगा। अरे आप विश्वास कर सकते हैं इतनी बड़ी बात पे? Do you can believe on this thing? कोई विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन वो गंदे सड़े हुए नाले में जाकर बैठ गया और उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने वहीं पर उसके लिए रोटी का इंतजाम किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप किसी घटी में हो, आप कहीं पर बैठे हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, देश के किसी कोने में बैठे हो, शहर में हो, गाँव में हो, शहर में हो, छोपड़ी में हो, कहीं पर भी हो, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं कग्गे को भेजने वाला हूँ आपके लिए, लेकिन आपके मुंह खोलने पर, आपके तीन टाइम प्रार्थना करने पर, विश्वास की बातें मुंह से निकालने पर, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। आज मैं कह रहा हूँ आपको दो काम करने हैं, आपको डेली प्रार्थना करना है और विश्वास की बातें मुंह से निकालनी है और अपना बोझ नहीं परमेश्वर का बोझ लेना है। Take out the burden जाकर, of Jesus. जाकर पांच लोगों को गवाही दिया करो दिन में। Give the testimony to five people. परमेश्वर आपका बोझ उठाने वाला है। Lord will take your burden. और आज ही आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। Your problems would end today. यहाँ 20 साल तक ईमानदारी परमेश्वर ने देखी। He was honest for 20 और एक years. जगह बाइबल बोलती है करा ईमानदार का घर मैं बसाऊंगा। Honest house will be made by Jesus. और जब सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, सुलेमान ने जब दो खंबे बनाए, there were two pillars. एक का नाम रखा यकीन, one name was एक यकीन. का नाम रखा बोआज, and it was Boaz. उसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। Telling you the meaning. जब आप उस मंदिर में घुसते थे, when you go to the temple, तो वहाँ पर उसका मतलब ये था करा कि इस लेंटर का बोझ, that this roof has करा इस मंदिर का बोझ, this burden's temple, इस दो खंबों ने उठा रखा है। These two pillars are taken. आज बाइबल आपसे बातें कर रही है। Bible is talking to you. करा आपका बोझ, your burden, करा यीशु मसीह ने उठा रखा है। Jesus has taken. यकीन करो, you need to have faith. यीशु ने उठा रखा है। Jesus has taken. अगर आप विश्वास करते हैं, if you have faith, आप प्रार्थना में आए, you need to pray. आप बाइबल पढ़े, read Bible. आज आपका बोझ जाने वाला है। Your burden will be removed. आपकी प्रॉब्लम से आने वाली है। Your problems will be removed. आप अपने दिमाग पर बर्डन लिए घूम रहे हो। You are having a burden. पता नहीं मेरी प्रॉब्लम्स कब जाएगी, whether my problem would go, पता नहीं मेरी जॉब कब लगेगी, when I would have a job. आप परमेश्वर का बोझ उठाओ, take the burden of Jesus. और प्रार्थना करो, and do prayer. सुबह उठते ही आपका बोझ हल्का होने वाला है। चर्च आपका बोझ उतरने वाला है। आपकी बॉडी का बोझ हल्का होने वाला है। बीमारियों का बोझ हल्का होने वाला है। कर्जे का बोझ हल्का होने वाला है। फिनिश, आप आजाद होने वाले हैं। आपकी जिंदगियों में काम हो रहा है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है। मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा कह रहा है, आज विश्वास करो, आज बोलो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं आज से पांच लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं आज से विश्वास से मुंह से बोलूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप हालेलुया बोलोगे, if you would say hallelujah, मैं आपको डिस्काउंट दिलाऊंगा। There won't be a discount. अगर आप हालेलुया नहीं बोलोगे, if you don't say hallelujah, तो मैं आपको डिस्काउंट नहीं दिलाऊंगा। There would be no discount. लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको डिस्काउंट देना चाहता है। The Lord wants to give you discount. आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। Wants to work in your life. यहाँ पर एलिया ने विश्वास किया, Elijah had faith, और मुंह खोला, and opened his mouth. कि मेरे लिए रोटी आ रही है, मेरे लिए ब्रेड आ रही है, मेरे लिए ब्रेड आ रही है। Bread is coming for me. वो घोषणा करता रहा। He claimed out. और उसके लिए एक ब्रेड, कग्गा ब्रेड लेकर आया। And the crow came with the अगर आप नाले में जाकर बैठ जाएंगे और मुंह नहीं खोलेंगे, कग्गा आएगा तो सही, लेकिन बीट लेके आएगा, but he would bring beet. ब्रेड नहीं लेके आएगा। Not bread. आपको बीट चाहिए कि ब्रेड चाहिए? If you want beet or bread, मुंह खोलो, you need to open आप परमेश्वर से बातें करो, you need to talk और घोषणा करना स्टार्ट करो। Came out. अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर, आज से मैंने कलाम को सुना है, आज मैं विश्वास करती हूँ, आज मैं विश्वास करता हूँ, तूने मेरी जिंदगी में काम किया, विश्वास करता हूँ, तूने मेरे बोझ को उठा लिया, आज मैं विश्वास करूंगा, तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, आज से मैं विश्वास की बातें बोलूंगा, आज से मैं तेरी बात मानूंगा, मैं तीन टाइम प्रार्थना करूंगा और विश्वास करूंगा और विश्वास की बातें मुझसे बोलूंगा। मेरा काम बन चुका है, गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, मेरा बच्चा इसी समय आशीषित हो चुका है, मेरी हड्डियाँ, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियाँ ब्लेस हो चुकी है, ब्लेस हो चुकी है। मैं इसी समय भविष्यवाणी करता हूँ, जो वचन को सुन रहे हैं, जो लाइव को देख रहे हैं, इनकी हड्डियाँ ब्लेस हो जाए, इनकी मांसपेशियाँ ब्लेस हो जाए, इनके रिलेशन मजबूत हो जाए, तलाक के शराब जाए, जाड़ का दर्द जाए, किडनियों की प्रॉब्लम जाए, हर एक हकलानापन जाए, हर एक हकलानापन जाए, हर एक प्रॉब्लम्स खत्म हो, हर एक शराब टूटे, हर एक कर्ज
निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक पत्थरी बाहर यीशु मसीह के नाम में। कह रही है तू जैसा कह रहा है वैसा हो जाएगा। अब मुंह खोलो, आज मेरे साथ मुंह खोलो, आज मुंह खोलो और विश्वास से कहो, इसी समय मेरे अंदर का बीपी जाए। Yes, BP is gone इसी समय बोलो बीपी जाए। आपके बोलने पर होगा। You will say and that would happen. मेरे बोलने पर तो होगा ही होगा। Then he will say it would happen. मैं खास कर कह रहा हूँ। But he says specifically. यीशु मसीह ने कहा है। Jesus told. जब तू साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उसका वायदा है कि मैं तुम्हारे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ, वो सदा हमारे साथ रहता है। तो आज जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी हमारी YouTube फैमिली है, जो कि हमारे साथ समय से काफी समय से जुड़ी हुई है, जो खुदा के सुसमाचार को फैलाने में हमारे साथ हर टाइम हर समय खड़ी होती है, आज खुदा उनके जीवनों में एक बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज परमेश्वर का सुसमाचार, आप जब लोगों को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप वीडियोस को शेयर करते हैं, तो जीवन में ऐसा अद्भुत काम आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सी सी टेस्टिमनी है कि जिन्होंने केवल एक शेयर किया कि आज मैंने परमेश्वर के कलाम को एक व्यक्ति को शेयर किया जो बहुत ही परेशानी में था, और आज खुदा ने उसके जीवन में कार्य किया, तो आपने एक आत्मा परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए बचाई। तो आज आप विश्वास करें कि खुदा, आज हम भी परमेश्वर आपके कलाम के द्वारा, खुदा हम घर पर बैठकर आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम मेरे सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक फैलाओ। तो आज आप लोग विश्वास करें कि आप विश्वास करते हैं कि आज आप जब खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसकी बात को सुनेंगे जो अपने दास के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, तो उसको ध्यान से सुने कि खुदा ने कहा कि तू विश्वास कर, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। आज जैसा आपका विश्वास है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपने मन में ठाना है, आप विश्वास करें, आज वैसा आपके साथ होगा। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। आप मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 15वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। और कहा, समय पूरा हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। क्या लिखा? सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। तो अपने मन को आज फिराओ। अगर आपके जीवन में कोई पाप है, अगर आप सोच रहे हैं कि खुदा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो आज विश्वास करें, एक सच्चा पश्चाताप कर खुदा के सामने आए और विश्वास करें कि आपका जीवन आज ही परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है। आपके जीवन में अद्भुत कार्य खुदा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसे कार्य किए हैं जो हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन, जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन। सच में ये समय है, इस समय सब कुछ बंद था। आपने देखा पिछले दिनों लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन खुदा का काम, खुदा का वचन, खुदा की आराधना कभी नहीं रुकती। हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर के दास आपके बीच में आते हैं, जो कि परमेश्वर के कलाम को लेकर आपके बीच में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। हालेलुया। ये जमीन और आसमान टल जाएंगे, ये पृथ्वी टल जाएगी एक दिन, लेकिन खुदा का वचन, उसका कलाम कभी नहीं टल सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हम जैसे पात्रों को अपनी सेवा के लिए चुना। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास आती हैं, जो कि लोग हमें अपनी फोटोज भेजते हैं, उनके जीवनों में खुदा बहुतायत से काम करते हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, एक बहन है जो बता रहे थे कि मैंने केवल अपना फोटो शेयर किया, और जब पास्टर टीम ने, प्रभु के दास ने उन फोटोज के ऊपर दुआ किया, तो खुदा ने उनके जीवन में काम किया। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं, हम भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपके फैमिली मेंबर्स को देखें कि आप किस रीति से अपने परमेश्वर के वचन को अपने घरों पर बैठकर सुनते हैं। Yes. तो आप अपनी फोटोज को हमारे साथ जरूर शेयर करें कि खुदा आपके जीवन में काम करे, और आपकी टेस्टिमनीज बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनीज जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, खुदा आपके जीवन में काम करेंगे। मैं एक वचन आपको बताना चाहती हूँ। मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय है, उसकी 24वीं आयत में लिखा है, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में
मैं जो कुछ मूसा से ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उस पर गवाही हो। हालेलुया। तो ये आपकी जो भेंट है, आपकी गवाही आपकी भेंट की तरह है। अगर आपके जीवन में खुदा ने कार्य किया है, आपकी टेस्टमनीज है, आप शर्माए मत। आप ये मत कहें कि मेरी टेस्टमनीज है कि मेरा गुप्त रोग था प्रभु वो चला गया। आप बताएं, खुलकर बताएं कि खुदा आपने मुझे चंगाई दी जो कि कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो आपके जीवन में काम कर सकता है। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में सदा कार्य किया है, तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें कि हम आपके लिए दुआ करें और प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। बहुत से लोग हैं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को, इस प्रेयर को जरूर शेयर करें कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को, अपने मनों को वो फिराने पाए। हालेलुया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लोग हैं। गोल्डी है, मिथुन है, राजू है, पवन है, श्वेता है, पूजा है, हरमन है, गुलशन है, नेहा है, सागर है। हम इनके लिए दुआ करते हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। सनी है, नीलम है, बहुत सारे लोग हैं, पारस है, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु उनके जीवन में काम करे। जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रभु सचमुच आपकी बेदारी आए, हर एक बीमारी से छुटकारा मिले। आमीन। और सचमुच आप विश्वास करें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। और जो भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें सेंड कर रहे हैं, जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। दया है, मीनाक्षी है, ज्योति है, रीटा है, दिनेश है, मुकेश है, रेनू है, विपुल है, अनिल है, उमा है, करण सिंह है, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं खुदा आपके जीवन में काम करे। शैंकी है, वो कह रहे हैं आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रभु आपको हील करने के लिए जा रहे हैं, खुदा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। सरिता है, निर्मल है, बलजिंदर है, विशाल है, संगीता है, रजिंदर है, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में अभी तक है, जो भी पत्तियों से आप घिरे हुए हैं, आज ही आप हील होने के लिए जा रहे हैं। आप विश्वास करें, इस प्रेयर को रिसीव करें कि खुदा आपके जीवन में काम करे और आपके जीवन में जो भी आज कमी है, घटी है, अपने मन के अंदर ठान लीजिए कि पिता मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप हील होने के लिए जा रहे हैं, आज आपके जीवन में खुदा काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन है, सत्य है, और नूरानी है, प्रियंका है, नीता है, और कालू राम है, पूनम है, शिव शंकर है। जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और जिनकी आज के दिन में जिनको प्रॉब्लम्स है, किसी को यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन में इन्फेक्शन है, और आईज में प्रॉब्लम है, कईयों के ऊपर बहुत कर्जे हैं, आप विश्वास करें कि खुदा आपके जीवन में बहुत ताइत से काम करने के लिए जा रहे हैं। और आज एक बड़ी बेदारी एक वचन के द्वारा आपके जीवन में आने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे हुए हैं, आईएएस ऑफिसर के लिए उन्होंने अपने फॉर्म भरे। विश्वास करें, रिसीव करें उस अनॉइंटिंग को, आपके जीवन में खुदा काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। गवर्नमेंट टीचर के जिन्होंने फॉर्म फिल किए हुए हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके किसी भी हृदय में, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, खुदा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। जिनको जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, अपने हाथों को उठाएं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। yes, कि आज प्रभु यीशु मसीह, हम सचमुच खुदा उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। yes, किसी भी समस्या के अंदर है राजा, yes, प्रभु किसी भी विपत्ति के अंदर है खुदा, yes, प्रभु सचमुच कोई भी रोग ने मेरे परमेश्वर उनको घेरे हुआ है खुदा। आज आपका आत्मा उनके जीवनों में पिता जुम्बश करे खुदा, और आपकी गहरी उपस्थिति खुदा इनके जीवनों में काम करे खुदा। सचमुच आपका आत्मा इनको अभी के अभी छुए और आजाद करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं छू कर चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु आप सचमुच पिता इन्हें छुए, आपके स्वर्ग दूत खुदा इन्हें छुए, और परमेश्वर इसी समय ये अपनी आत्मा में एक नई अनॉइंटिंग को देखने पाए। प्रभु आपका आत्मा इनको छुए और खुदावन हर एक बीमारी, हर एक लाचारी, हर एक विपत्ति प्रभु इन्हें छोड़ कर जाती रहे। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं राजा, जिन्होंने
मेरे प्रभु, कमेंट्स में पिता अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया खुदा, उनके जीवनों में आप कार्य करे खुदा, और प्रभु उनके जीवनों में बहुत तायत से तेरे फल हम प्रभु जी देखने पाए खुदा, वो फलों के साथ खुदा तेरे भवन में आए और गवाहियां दे खुदा, प्रभु जी सचमुच हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपने इनको छुआ, ब्लेस किया, इस दुआ को मांगते यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में, आमेन आमेन हालेलुया। आप विश्वास करें कि आज एक अलग आप आत्मा अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ खुदा का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मैं एक बार फिर से आपके सामने इस वचन को क्लेम करती हूँ कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो आप आजाद हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप आजाद हैं खुदा की आत्मा के द्वारा, आप आजाद हैं परमेश्वर के लहू के द्वारा। प्रभु आपके जीवन में बहुत आयत से काम करने के लिए जा रहे हैं, और जो भी लोग आप अपनी फोटो हमारे साथ जरूर शेयर करें कि हम आपके लिए दुआ करें। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें, आप बहुत से लोग जो बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप अपने बीज को नहीं बो सकते हैं, तो आप एक जगह पर अपने बीज को इकट्ठा करें। और जो लोग ऑनलाइन अपने बीजों को बोना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री के अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आप उस अकाउंट नंबर में, जो इंडिया से है, मैं स्पेशली आपको हर बार एक अनाउंसमेंट करती हूँ कि जो इंडिया से है आप प्लीज अपने अकाउंट में, जो मिनिस्ट्री का अकाउंट है आईसीआईसी बैंक का, आप उसके अंदर अपने बीजों को डालें। और जो लोग फॉरेन से हैं, आउट ऑफ इंडिया से हैं, और जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल कर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में, उसके भवन में जाकर हम बीज को बोने पाए। और आप विश्वास करें कि खुदा आपके जीवन में काम करेंगे, कि जब आप प्रभु के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम को अपने जीवनों में ग्रहण करेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। जब आप विश्वास करते हैं तो खुदा आपके जीवन में काम करते हैं। आज कहें, जुबान से अंगीकार करें, जो भी हमें देख रहे हैं इस समय, आप अंगीकार करें कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ ये बीमारी मेरे जीवन में नहीं है। आप विश्वास करें, आप कमेंट में लिखें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि ये बीमारी मेरे जीवन में नहीं है। आप कमेंट में लिखें कि खुदावन मेरे हर एक प्रॉब्लम मैं विश्वास करता हूँ आज जा चुकी है। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ी बेदारी को परमेश्वर देने के लिए जा रहे हैं। आप विश्वास करें कि खुदावन आज आपके जीवन में एक अलग अभिषेक, एक स्वर्गीय मन्ना वो गिराने के लिए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस समय चर्च बिल्डिंग का काम स्टार्ट है, तो आप अपने बीजों को जरूर बोएं। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीज बोने से आशीष आता है, हालेलुया, तो आप खुदा के कलाम के द्वारा परमेश्वर के वचन को देखते हुए बोए कि प्रभु आपके जीवन में काम करे। कितने लोग तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए, आप कमेंट में आप यस बोलकर हमें बता सकते हैं कि हम आपके कमेंट्स को देखें कि कितने लोग आज वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। जो हमें देख रहे हैं वो यस बोले कि हाँ, आज हम परमेश्वर तैयार हैं आपके वचन को सुनने के लिए। तो जो भी लोग आज तैयार हैं, आप कमेंट में यस लिखें और बताएं कि कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर हम तैयार हैं आपके वचन को सुनने के लिए, आपके कलाम को सुनने के लिए। जो आज तैयार हैं, खुदा आपके जीवन में काम करेंगे, और बहुत आयत से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप विश्वास करें, जो अपने बीजों को बो रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा उन लोगों के लिए मेरे प्रभु जी परमेश्वर, जो आपने घटती बढ़ती में से खुदा तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बो रहे हैं खुदावन खुदा, उनके जीवनों में परमेश्वर आप फल दें खुदावन खुदा, और प्रभु जी उनकी भेंटे, उनके हदीये मेरे खुदावन आपके स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए, उनकी ऑफरिंग मेरे प्रभु सचमुच प्रभु जी आपके स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए खुदा। पवित्र परमेश्वर इन्हें छू, आप ब्लेस करें खुदावन खुदा, और आज का कलाम प्रभु जब ये सुने खुदावन खुदा, इनके जीवन से हर एक पहाड़ खुदा टलने पाए यीशु मसीह के नाम। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, सचमुच आपने हमारी दुआ को सुना, कबूल किया। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए, आइए ताड़ियों के साथ हम परमेश्वर के दास का स्वागत करते हैं, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। द लॉर्ड मे ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। लेट अस ऑल रेज आवर हैंड्स। और प्रार्थना में जाएंगे। एंड प्रे टुडे।
परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, प्रार्थना करता हूँ। Holy Spirit today, Prophet Bajinder Singh pray. आज इस समय पवित्र आत्मा अपने लोगों को आशीष दे। Holy Spirit bless your children. आज इस समय पवित्र आत्मा तेरा वचन जब खुले, When the word is open, लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। Their life should be changed. आज इसी समय पवित्र आत्मा जी, Holy Spirit, इनके अंदर एक नया मसा उतरे। There needs to be a new glory. इनका विश्वास मजबूत होने पाए। Their faith should be strong. इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। There must be blessings in their life. विश्वास की प्रार्थना से, The faith prayer, इनकी मुसीबतों का पहाड़ गिर जाए यीशु मसीह के नाम। Their problems mountain should fall down. मैं विश्वास करता हूँ। We have faith. आज इनकी प्रार्थनाओं से, Today your prayers. आज परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं से, Your prayers today. आज मुसीबतों का पहाड़ गिरेगा यीशु मसीह के नाम। The problems mountain will fall down. विश्वास करता हूँ परमेश्वर। He has faith. खाली हाथ नहीं रहेंगे। They would not be empty-handed. और आज इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह डबल हो जाए। Your glory should be doubled over them. Amen. Amen. आज का वचन आपके लिए है। Today's word is for you. आज हमारा टॉपिक है। Today's topic is विश्वास की प्रार्थना से